या कहते मुझको मौत का साया, सिर्फ किस्मत वाला ही बच पाया मुझसे, मैं क्रीपर आया। फ्लीट भाई, फ्लीट भाई एक मिनट, मैंने ड्रैग कर लिया। अरे यार मैंने अज्जू भाई को भी लिया है, मैंने कहा था ना अज्जू भाई को इस प्लान में नहीं कर सकते इंक्लूड, होगी प्रॉब्लम। यार इन्हें कर दिया क्या, सबको बोल दिया अज्जू भाई ने बता दिया। अज्जू भाई क्या किया यार आपने, क्या बता दिया बोलो, क्यों बोला आपने सब लोगों को, मेरे को बताओगे आप क्या बोला मेरे, आपने सबको बोल दिया कि हम लोग ऐसा कर रहे थे। सबको भाई, हमारे ऊपर शक हो चुका भाई। भाई मैंने देखा उसने स्वॉर्ड नहीं चलाया ना, तो मैंने बोल दिया उजल भाई ने नहीं चलाया। अरे तो आपको तो पता ही है कि आपको तो पता है, हम तीनों का प्लान था ना भाई, हम तीनों का तो थोड़ा प्लान था, तो थोड़ा वो तो कर लेते तुम लोग कि दिखा तो देते भाई, करी है फाइट। अरे करी तो है हमने, देखो ना तभी तो किसी और को शक नहीं हुआ। भिक्षु बोलता उससे पहले मैंने बोल दिया ताकि तुम्हारा कवर अप हो, क्या बात कर रहे हो, आपने बोल दिया कवर अप कहां से होगा वो। यार देखो अज्जू भाई, ये है कि पहले हमने सोचा था कि हम तीनों प्रॉपर ऐसे राज करेंगे, बट अभी भाई अज्जू भाई नहीं रख सकते भाई, आपकी हरकतें नहीं है भाई, क्योंकि भाई हमने जो इतना बिल्ड करा ना। हाँ मेरे को देखो सिंपल बात है, मेरे को राज भी नहीं करना है भाई, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बेचारे यार, अच्छा अच्छा काम अभी ना उनको ये नहीं पता कि ये प्लान हम करवा रहे हो अपन लोग अभी उनको ये। अज्जू भाई आप ही का था सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है ना, आपका ये था कि आपने कहा था राज करना है, सबसे पहले बोला कि राज करना है, अभी आप पलट रहे हो बात से, है जब निकाल रहे हो बात से। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं भाई, राज करना था बट ये नहीं बोला था कि अपन इतनी ज्यादा फाइट और इतनी मार्केट करवाएंगे, इतना मारपीट हो रहा है वो तो देखो भाई। यार तू विश्वास जगाना पड़ेगा ना अज्जू भाई, नहीं हो पाएगा यार, इनके बस का तभी नहीं है भाई, रहने दो भाई। मारपीट करवा के अंदरों अंदर ही मारपीट करवा भाई, यार शुरुआत में आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आज आपको दिक्कत हो गई एकदम से यार, इतनी लड़ाई हो गई, इतने भाई इधर तक चल जाता आपकी वो नकली लड़ाई में, तब आपको दिक्कत नहीं हुई थी, अभी आपको दिक्कत होने लग गई एकदम से, ये क्या बात हुई यार भाई। नकली लड़ाई कौन सी, तुम लोगों ने क्या बोला था कि अपन तीनों, तुम दोनों का यह था कि अपन तीनों रूल करेंगे, मैंने बोला कि हाँ करेंगे, बट ये नहीं था कि सबकी प्रॉपर्टीज तोड़ेंगे आपस में। अरे भाई सबसे पहले बिना बात के भाई उज्जवल भाई का घर तोड़वाना आपका ही तो आइडिया था उस दिन से भाई। देखो हाँ उसके बाद ही तो मैंने बोल दिया था ना कि अभी ऐसा नहीं करवाना है, नुकसान ज्यादा हो रहा है, मैंने तुरंत ही बोल दिया यार। तो भाई आप हमसे बोलते थे कि आप इसमें प्लान में नहीं रहोगे करके, भाई अभी मैं बोल रहा था भाई इनको हटाओ, इनको हटाओ भाई, नहीं इनके भाई देखो इस प्लान फाइट का तो मेरे को तुम लोगों ने बताया नहीं था, अगर लड़ाई कराना चाहते तो लड़ाई होती है, रुकवाना चाहते तो रुकती है। मैंने फाइट वाला कब बोला, खुद बना रहे हो प्लान हमारे साथ बैठ के बोल रहे हो, फाइट वाला कब बोला मैंने। अरे एक छोटी सी चीज क्लियर कर दो, तुम लोगों ने देखो तुम लोगों ने एक बार फाइट वाला बोला था ना इससे पहले, तब मैंने बोला कि हाँ फाइट करवा दो, अभी फाइट नहीं करवानी है भाई, उज्जवल का टावर तोड़ दो, मेरा पहला हुकुम है उज्जवल का टावर तोड़ दो, चलो फ्लीट के घर के नीचे पूरा बम बजा देते हैं, तब तक ठीक लग रहा है। नहीं 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 तब तक, उसके बाद मैंने तुरंत बोला था कि एसएमपी के अंदर नुकसान हो रहा है और ये बहुत ज्यादा लोचा लपाच हो जाएगा, इसलिए मैंने तुरंत ना बोल दिया आपसे फाइट नहीं होगी, तो तुम लोगों ने इस बार की फाइट का मेरे को बताया ही नहीं। अज्जू भाई ये फाइनल टेस्ट था कि बंदे हमारे कंट्रोल में या नहीं, आज हमारी पूरी प्रॉपर सेलिब्रेशन थी और आज आप बता देते पहले ही, आज आपने सोचा कि इनको गलत एसएमपी में फाइट नहीं मांगता है भाई, अब एसएमपी एकदम क्लियर मांगता है। सुनो फाइट हम भी नहीं चाहते थे भाई, फाइट आपने शुरू करी, मत देना ठीक है, कहीं जाके मुंह तो खोल मत देना, साफ बता रहा हूं जीना आराम कर देंगे भाई, हाँ जो करना है कर दो जाओ, मैं तो जहाँ दिखोगे वही मारेंगे, अभी बता रहा हूं सबको बताएगा, अभी मैं सबसे पहले भिक्षु ईशान भाई सबको बताता है, तुम रुको यार। अरे बताओ ना भाई, देखते है ना हम भी देखते है भाई, चलो जाओ बता दो उज्जवल भाई बताएंगे, फाइट नहीं करवानी है ठीक ठीक, हाँ ठीक है देख लेते हैं, कोई नहीं इनको करने दो। अज्जू भाई अपनी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं वहाँ, क्या हो गया तो अज्जू भाई साथ बैठे थे भाई, उन शुरू से जो ये सारी फाइट चल रही है ना, जो टावर वाली फाइट हुई थी अज्जू भाई ने जान मुझ के टावर तोड़ा था, उसका लॉजिक नहीं था कोई, तुम्हें भी पता है टूटा ना अज्जू भाई ने टावर तोड़ा, मतलब टावर जो तुड़वाया था वो तो हो गया ना। अरे सुनो तो पहले की बता रहा हूँ सुनो तो, वो टूटा बेमतलब फाइट हुई, पहली लड़ाई तो वहीं से शुरू हुई ना, वही चक्कर की लड़ाई, उसी चक्कर में बॉस गैंग बनी, पर वही लड़ाई तो वो एंड वाले से बनी ना, ना 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 बॉस गैंग उसके बाद से बन गई थी ताकि सेफ रहे बंदे। अज्जू भाई ने देखो भाई तुम्हें अब मैं बताऊं सीधी सी बात है, मेरी बात ना ध्यान समझो, अगर तुम्हें लग रहा है ना झूठ बोल रहा हूँ, अज्जू भाई दोबारा से तुम्हें भड़काने आ रहे हैं ताकि लड़ाई दोबारा शुरू हो जाए, ठीक है एक मिनट मैंने हट देख रहे हो, वो अज्जू भाई तुम्हें दोबारा भड़काने आ रहे, मैं चुप बैठूंगा ठीक है,
मैं चले जाऊंगा। अज्जू भाई भड़काने आ रहे हैं, लाइक अज्जू भाई तुम्हें भड़काने आ रहे हैं, उन लोग को भड़का, उन लोग को भी भड़काने जाएंगे ताकि सबकी लड़ाई दोबारा हो। अपने उज्जवल भाई ना दोनों सबके साथ, तुम सबके साथ गेम खेल रहे हैं, देख लिया क्या बोला था? ये क्या बोला था भिक्षु भाई, क्या बोला था बताओ भाई, कौन कर रहा है भाई, इधर आ जाओ भाई, बताओ क्या करने है। मेरी बात सुनोगे, मेरी पहले मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, क्या बता रहा हूँ मैं। हाँ बताओ, इधर मतलब किधर? प्लीट प्लीट और उज्जवल का प्लान है तुम लोगों को लड़ाई करवा के डिस्ट्रॉयर बना रहा था वो टाइम पे, उज्जवल मुझे मारने आया और डिस्ट्रॉयर भी तोड़ा मारा वो टाइम, और डिस्ट्रॉयर भी तोड़ा मैं, तो हम सब साथ में थे ना, दैट्स व्हाई आई गेस। अरे यार ऐसे प्लान, हमारा हमारा क्या प्लान बना था सुनो, उज्जवल भाई उस प्लान को लेके सीरियस थे कि हम सब साथ रहेंगे, साथ लड़ेंगे, और उज्जवल भाई अलग ही वीसी में जाके बैठ गए थे और उन्होंने आधे टाइम तो अपना कान और नाक मुंह सब बंद करके रखा हुआ था। नहीं नहीं भाई, देखो सिंपल, देखो 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 भिक्षु बोलना क्या चाहता है, भिक्षु भिक्षु नहीं नहीं भिक्षु को प्रूफ चाहिए। देखो अगर मैं लड़ नहीं रहा होता ना तो मेरे बूट्स की हालत ये नहीं होती, देख लो मेरी बूट्स के लिए वो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ मेरे आर्मर भाई हाफ ऑफ एचपी हो रखे हैं, अगर मैं लड़ ही नहीं रहा होता तो मेरा आर्मर किसके पास है भाई, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई, या लिटरली मेरे को नहीं है, मैं लिट भाई पे फुल ट्रस्ट करता हूं। बात कौन कर रहा है, ट्रस्ट की बात कर रहा है एंड्रू भी, मैं बताऊं सॉल्यूशन गाइस, तुम लोग देख लो क्या लिट भाई तो नहीं करेगा इतना मुझे पता है, तो उस पे ट्रस्ट है भाई, बॉस गैंग का अपना भाई, आप करो ना, आपकी वो गैंग है भाई। हां तो ऑब्वियसली भाई लिट भाई पे फुल ट्रस्ट, ओके फुल ट्रस्ट है भाई, मैं क्या ही ट्रस्ट करूंगा भाई, प्लीज भाई भाई आप भी नहीं कर सकते, कोई बात भाई, आज यहां एंड्रू पे नहीं कर सकता, थोड़ा साफ यही पे भाई, एंड्रू पे ट्रस्ट नहीं कर सकता भाई, ट्रस्ट करेंगे भाई, जो भाग जाता है लोग -6500 आ जाओ भाई, आप इंक्लूड करोगे वो भाई, नहीं भाई फिर मेरी बात सुनो, मैं ये बोलता हूं वो तो एक्सेप्ट भाई, दो ऊपर लेट लो भाई, फिर अलग रख दो अज्जू भाई, देख लो भाई क्यों अलग रख दो भाई, भाई आपने मेरे को उसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया, हेलो साथ में चलता, परेशान क्यों हो रहे हो भाई, परेशान क्यों हो रहे हो, मिल के रहने वाले भाई, बस अज्जू भाई साथ में होंगे, असली लड़ाई जिसने करवाई वो और फंसवा रहा है, देख रहा मतलब भाई, नहीं मेरी बात सुनो, मेरी ये बात सुनो, मेरी जस्ट रियलाइज जब मेरी बात सुनोगे तो पिटने को आ गए तब भाग के भाई हम साथ में रहेंगे, वाह मेरी मेरी बात सुनोगे, हुआ क्या देखो मेरी बात, भाई क्या भागे हैं भाई, नाइस भाई, अरे वो तो देखो अगर तुम्हें सुनना है तो मेरे को बोलना, वरना एक सेकंड जाइए, ओए ओए एक सेकंड बोलो बोलो बोलो, सुनो सुनो रुको रुको, तुम्हें सब पता लगेगा, अब सिंपल है देखो, ठीक है यहाँ पे उज्जवल भाई फ्लीट और मैंने बहुत पहले प्लानिंग बनाया था और जिसके अंदर आप लोगों से फाइट करवानी थी वगैरह वगैरह, तो वो जो फाइट में मैं भी था, मैं भी मेरा भी हाथ था, बट वो फाइट में नुकसान एसएमपी का इतना ज्यादा हो गया था, मैंने बोला कि अभी आज से अभी कभी भी अपन लोग एसएमपी के अंदर फाइट नहीं करवाएंगे, देख लो जो मैंने शुरू से ऐसे है फिर बोलने दो अज्जू भाई को बोलने दो, पूरा पूरा खत्म कर दो, पूरा खत्म कर दो, मैंने बोला कि अब फाइट नहीं अपन लोग नहीं कर रहे मतलब करवाएंगे तुम लोगों को ये वो सब वगैरह, मैंने फ्लीट वगैरह उज्जवल भाई को बोल दिया, एंड उसके बाद वापिस से सेकंड बार इन लोगों ने लड़ाई करवाई और उस बार भी मतलब मैं नहीं चाहता था कि उसके अंदर लड़ाई हो, स्टिल इन लोगों ने करवाई, मैं कुछ नहीं बोला, बट इस बार इन लोगों ने मेरे को लड़ाई के बारे में बताया ही नहीं कि अपन लोग एसएमपी के अंदर लड़ाई करवाएंगे, क्योंकि उनको पता था अगर अज्जू भाई को ये बता देगी कि एसएमपी के अंदर लड़ाई करवाने वाले हम लोग तो अज्जू भाई नहीं करवाने देंगे, उनको ये चीज पता थी, तो उन लोगों ने मेरे को ये चीज बताई नहीं और तुम भाई यार लड़ाई लगवा मेरे को वो लड़ाई के चक्कर में इतना ज्यादा नुकसान अभी भी तुम लोगों का हो रहा है, और अभी जब मैं बातचीत करने के लिए इन लोगों के साथ किया फ्लीट और अब हमारी टीम के अंदर जितना है ना पता उन लोगों को पता है कि उज्जवल भाई फाइट नहीं कर रहे थे लड़ाई नहीं कर रहे थे,
और वो क्लीट भाई के साथ तो मतलब ऊपर जो भी था उन लोगों का चल रहा था बातचीत वगैरह। रोनी भाई देखो कहने का मतलब क्या हो रहा है ना, हमें भी एक बार हमें भी बोलने का मौका मिल जाए आपको स्टेज पे जाके बोलने का चांस दे रहे हैं, कुछ सुन रहे हो क्या तुम लोग, अपने में लगा के बोल रहे हो देखो ये चीज मैं मानता हूँ कि आज हम लड़े नहीं समझ लो, पर इतना भी याद रखो कि हमने कितनी फाइट करी है पहले, ठीक है, पर आज हम लोग क्यों नहीं लड़े हम लोग, पर आपने बस देखा पर एक बार सोचा नहीं कि ये लोग क्यों नहीं लड़ रहे आज, कौन लोग कौन लोग, प्लीट भाई और मैं, हम प्लीट भाई और मैं क्यों नहीं लड़े हमारी शुरू, आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे आप लड़े यस्मार्टी भाई, बात तो सुनो सबसे पहले अपने उन्होंने मान लिया, उन्होंने मान लिया कि वो नहीं लड़े, एक बार पूरी तो सुनो भाई, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो आप लोग, आप बीच में क्योंकि बोल रहे हो भाई, आप चेंज कर रहे हो अपनी, आप सिर्फ एक बार सुनो, सिर्फ सुनो ओके okay. अरे सुन लेते हैं गाइस, जब हमारी फाइट हुई थी तो हमने एक दूसरे को मारना स्टार्ट करा गंदी तरह, रोनी भाई को मैंने देखा वो कैनन फोड़ मतलब कैनन बना रहे, मैंने वहां पे जाके मारा, और उससे बड़ी चीज रोनी भाई को डिफेंड करने आए फ्लीट भाई, रोनी भाई बताना आए कि नहीं, हां फ्लीट भाई आए थे डिफेंड करने, मारा कि मेरे को नहीं, पर ये बात भी सच है कि फ्लीट तुमको डायरेक्टली पहले नहीं मार रहा था स्टार्टिंग में बोला था कि नहीं वो मार रहा था, मैंने देखा मार रहा था, पर अभी आपने बोला डायरेक्ट, देखो पता उन्हें लगा डायरेक्ट नहीं मारा भाई, देखो बंदा हेल्थ वेल्थ भी तो देखेगा कि आते ही, वो डायरेक्टली नहीं मारा उसने, कहते मुझको मौत का साया, सिर्फ किस्मत वाला ही बच पाया मुझसे।